वहीं प्रदेश में तीन तलाक विधेयक के खिलाफ अब मुस्लिम महिलाओं का जो विरोध है वो तेज होता जा रहा है और बुधवार को इसे लेकर के मुस्लिम महिलाओं ने शहर में मौन जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस जुलूस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना मोहम्मद महफूज उमरेन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विमेन विंग की नेशनल चीफ डॉक्टर असमा जोहरा, चेन्नई से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर फातिमा मुजफ्फर और जयपुर से बोर्ड मेंबर यास्मीन फारूकी समेत कई लोग मौजूद थे। ये मार्च पैदल जो है चार दरवाजे तक पहुंचकर के एमडी रोड से मुस्लिम मुसाफिर खाने पहुंचा। यहां पर एक आम सभा आयोजित की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में तीन तलाक बिल के पारित होने के बाद अब राज्यसभा में इस बिल को पेश करने की तैयारी चल रही है और ये पहली बार है जब इस बिल के विरोध में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। हाल ही में झुंझुनू में भी इस तरह का एक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा तादाद में राजधानी में ये प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है। ये जो रैली, यहाँ पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में ये रैलियां हो रही हैं और इसमें सारी जमातें और सब संगठन इसमें शामिल हैं, ये मैसेज देने के लिए है कि मुसलमान महिलाएं जो है वो शरीयत की पाबंद हैं, इस्लामी शरीयत पर अमल करना चाहती हैं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक अमल कर रही हैं और ये जो कानून लाने की कोशिश हो रही है राजनीतिक कारणों से, ट्रिपल तलाक का और तीन तलाक का बहाना बनाकर ये जो कानून का जो मसविदा है ये औरतों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता बल्कि औरतों के अधिकारों का हनन करता है। ये संविधान में जो आज़ादी दी गई है मजहब पर और धर्म पर अमल करने की, उस आज़ादी में भी ये कानून दखलंदाजी करता है। तो ये कानून शरीयत के भी खिलाफ है और ये कानून संविधान के भी खिलाफ है और ये कानून जो अभी जिस शक्ल में लाया जा रहा है वो औरतों के अधिकारों के भी खिलाफ है। मैं जो तीन तलाक का जो मसला उठाया है लोकसभा में, जो बिल पास हो गया है और आगे राज्यसभा में इसकी कोशिश की जा रही है, इसी के खिलाफ सारी महिलाएं जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके सदस्य और उसकी पूरी टीम औरतों को उन्होंने हमारे घरों से बाहर निकाला है, सिर्फ इसलिए कि जो ये बिल पास हो रहा है वो गलत है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इस बिल से और आगे प्रावधान यह है कि तीन साल तक सजा दी जाएगी आदमी को, वो गलत है।